नमस्कार, मेरा नाम शालू चौधरी है और मैं आज आपके लिए प्रेजेंट करने वाली हूँ कि कोरोना वायरस की जो वन ऑफ द साइड इफेक्ट है कि थकावट हो जाती है, तो उसको आप क्यों दूर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ मैं सुझाव देना चाहती हूँ, उसके लिए मैं प्रेजेंट करती हूँ। चाहे आप बीमार हैं, आप निकले हैं उसमें से, या आपने किसी की मदद करी है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि थकावट जिनकी रहती है, और कभी कभी जो केयर गिवर है जो कि जो पेशेंट की सेवा करते हैं उनको भी थकावट रहती है, और दूसरी थकावट भी है कि पेंडेमिक की भी एक थकावट है, लॉकडाउन की एक थकावट है, तो उसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाह रही थी। तो आप मेरे साथ 2 मिनट रखिए, मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो शुरू करने से पहले ये यूजुअल हमारा डिस्क्लेमर है कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही है। तो थकावट यू नो, आपकी 2-3 तरह की थकावट होती है। एक थकावट है कि जो आपकी शारीरिक थकावट है कि हम बीमारी से निकले हैं, तो शारीरिक थकावट है। एक मानसिक थकावट भी है और एक इमोशनल थकावट भी है। तो बहुत सारी तरह की है, उसको सारा कुछ देखना पड़ता है, और ये सबका इम्पैक्ट आपकी जो शारीरिक थकावट है, आपकी मानसिक थकावट है, आपकी इमोशनल की जो आपकी आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो सब इम्पैक्ट करता है आपकी रिकवरी के ऊपर, आपकी हीलिंग के ऊपर। तो उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। और थकावट को समझने के लिए अगर हमें मैनेज करना है कि हमारी थकावट कैसे है, तो आमतौर पर ये धारणा है कि अगर हम बीमारी से निकले हैं तो मुझे आराम करना चाहिए, मुझे लेटना चाहिए, मुझे अपनी एक्टिविटी कम करनी चाहिए, क्योंकि मैं कुछ करती हूँ या मैं कुछ करता हूँ तो मैं थक जाती हूँ। लेकिन उसके भी कारण है, उसको अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ भी बीमारी से निकलते हैं, स्पेशली कोविड जैसी बीमारी से निकलने हैं, तो कभी कभी थकावट लिंगर करती है, बहुत ज्यादा तक रहती है, तो उसको हमें मैनेज करना है। तो उसके मैनेज के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सिम्टम्स क्या है, कि क्या आता है कि मेरे को जब मैं थक जाती हूँ तो मेरे को बॉडी में एक होती है, या मेरे सर में दर्द हो जाता है, या फिर मेरे जोड़ों में दर्द आती है, या जैसे ही जैसे मेरे में कुछ जान ही नहीं रही, एनर्जी नहीं है, तो वो थोड़ा समझना पड़ता है कि मेरे सिम्टम्स क्या हैं। फिर क्या मैं ऐसा करती हूँ कि वो सिम्टम्स मेरे जो हैं, जो मेरे जो उसके मुझे साइन सिम्टम्स आते हैं, वो क्या मैं ऐसा करती हूँ कि वो बिगड़ जाते हैं और वो और बद से बदतर हो जाते हैं, और मैं क्या ऐसा करती हूँ कि मुझे मदद मिलती है। तो वो थोड़ा सा आपको एक लेंस से देखना पड़ेगा अपने आप को। फिर उसके बाद ये देखना है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या है घर पे। मैं अकेली रहती हूँ, मैं परिवार के साथ हूँ, मेरे पास कोई डोमेस्टिक हेल्प है नहीं है, और परिवार में है तो कोई ऐसा है अवेलेबल जो कि मुझे, मैं बीमार हूँ, ठीक हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे मदद की जरूरत है तो कोई ऐसा अवेलेबल है उनके टाइम में, अलाउ करता है कि आपको वो हेल्प कर सकें। और उसके बाद मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, कि मैं कितनी डिसिप्लिन्ड हूँ अपने लाइफस्टाइल से। ठीक है, मैं बीमार थी, बीमार से उठी, लेकिन अब उसको ठीक करने के लिए मेरी अपनी जिम्मेवारी क्या है अपने लिए। तो यूजुअल लाइफस्टाइल, नॉट ओनली कि आप बीमारी से उठे हैं वो लाइफस्टाइल, कि उसके पहले क्या लाइफस्टाइल था वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद मेरा न्यूट्रिशन कैसा है, मैं डाइट, मेरी बैलेंस डाइट है, मुझे बाहर का खाना पसंद है, मुझे तला मला खाना पसंद है, या मुझे रेगुलर सादा खाना पसंद है, मैं क्या पानी पीती हूँ, कितना पानी पीती हूँ, और उसके बाद क्या मेरी दिनचर्या में कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस थी। तो ये सब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और थकावट को दूर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि इट्स एन अपहिल बैटल, इस माने कि आप ऊपर जाएंगे, फिर 2 कदम नीचे आएंगे, 2 कदम जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप बीमार पड़े, कोविड से जूझे, उसमें आपका कंट्रोल कम नहीं था, लेकिन आप कैसे अपना आपको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं हीलिंग में, उसमें आपके लिए आपका कंट्रोल है और आप उसे मैनेज कर सकते हैं, और वही हम चाहते हैं। तो जैसे मॉनिटर की हमने बात करी कि थकावट के लिए, कि हमें समझना पड़ेगा कि हमारा दिन का जो दिनचर्या है उसका मेरा स्केड्यूल क्या है, मैं कैसे उसको मैं पैक करती हूँ, चाहे वो अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, या कोई रिश्तेदार से मिलना है, या किसी से बात करनी है, और या फिर मेरी दिनचर्या में मेरी क्या एक्टिविटीज है कि मैं उसको कैसे पैक करती हूँ, थोड़ा सा एक टाइम टेबल से देखना पड़ेगा आपको।
और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मैं क्या करती हूँ, कितने समय के बाद मुझे थकावट शुरू होती है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं थकी रहती हूँ कि मैंने सुबह उठ के नाश्ता किया, थोड़ा चाय पानी की, ब्रश किया, नहाए धोए तो उसके बाद मैं थक गई, या फिर मैंने उठ के नाश्ता किया, चाय पानी की, ब्रश किया, नहाए, किचन में गई, कुछ नाश्ता वास्ता बनाया, उसके बाद मैं थक गई, तो क्या मेरे से टॉलरेट होता है आसानी से, क्या नहीं होता है। और उसके बाद क्या मैं पूरे दिन भर, अगर मैं थक गई तो मैं बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, कि मैं दिन भर कोशिश करती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, लेकिन उसमें भी मेरा कितनी एक्टिविटी रहती है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सॉरी तो आप बैठे हैं, मोस्टली लेटे हैं, हर किसी के बाद आजकल वो पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि ऑक्सीजन को मापने वाला है, हार्ट रेट को मापने वाला है, तो एक थोड़ा सा आप उसको, इसका भी एक टाइम टेबल बना लें, उसका लॉग बना लें कि अभी आप रिकवर भी कर रहे हैं तो भी आप सुबह देख लें कि भाई मेरा बेसलाइन जो है, हार्ट रेट मेरा इतना है और जो मेरा ऑक्सीजन लेवल है इतना है, और मैंने कुछ किया तो इतना था और इतना है, तो ताकि आपको एक अंदाज रहे कि आपकी एक लिमिट है, उसके अंदर आप कितना फ्लक्चुएट कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसे हम बोलते हैं कि जो हमारे जो काम, जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड कहते हैं कि हमने नहाना है, हमने खड़ा होना है, हमने शौचालय जाना है, सीढ़ी लेनी है, तो उसमें मेरा क्या असर है मेरे थकावट के ऊपर। तो आप नहा रहे हैं तो आपका कैसा इन्वायरमेंट है नहाने का, कि आप नीचे चौकी पे, स्टूल पे, छोटे स्टूल पे बैठ के नहाते हैं, या फिर आप खड़े होकर नहाते हैं, या आपका स्टूल या चौकी जो है वो ऊंचा है, कैसा है आपका? अच्छा, अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपको कितनी मदद चाहिए उठने में, कि आप उठ सकते हैं अपने आप से, या जब उठते हैं तो कैसे आपको लगता है? उसके बाद आप ये देखिए कि पानी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसमें आपका कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं आता है। फिर आप देखिए कि खड़े हो रहे हैं, कि खड़े होने में जैसे ब्रश किया टीथ को, अपने दांतों को ब्रश किया, मंजन किया, अपने किचन में कुछ गए, कुछ काम किया, या कपड़े धोए खड़े होके, वॉशिंग मशीन है उसमें धोए, सुखाए या सूखने डाले, तो उसमें क्या इफेक्ट है? या फिर अगर आप हाथ से धो रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है आपके ऊपर? उसके बाद शौचालय, टॉयलेटिंग, कि आपके जो इस्तेमाल करते हैं वो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, और कौन सा आपको जचता है आपकी सेहत के लिए, कि उसकी, अगर आप इंडियन स्टाइल है तो आप उठ पाते हैं, नहीं उठ पाते, इवन वेस्टर्न स्टाइल छोट लो है, हाई है, तो कितनी मदद लगती है उठने में, नहीं लगती, या फिर क्या थकावट होती है उस कार्य के लिए अंदर भी आप देखिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद स्टेयर्स, की कितनी स्टेयर्स आप चढ़ते हैं, जीना चढ़ते हैं, कि आपको थकावट जाती है, चाहे थकावट आपको ऊपर जाने में ज्यादा आती है कि नीचे आने में ज्यादा आती है, और कितनी बारी दिन में आपको लेना पड़ता है, जो कि आप करते हैं या जितना बेयर मिनिमम आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कम से कम आप कर सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। उसके बाद मॉनिटर करना है अपना सोने का, स्लीप स्केड्यूल जैसे हम बोलते हैं, कि आपका सोने की क्या आपका डिसिप्लिन है, कि क्या टाइम पे आप बेड पे जाते हैं। अभी आप बीमारी से उठे हैं वो अलग है, लेकिन थोड़ा सा आप पहले का भी सोच लीजिए कि मैं बीमार होने से पहले मेरा क्या था, कि मेरा एक सेट टाइम था बेड टाइम का, या उठने का बेड टाइम था, और मुझे कैसे सोना पसंद है, कि मैं टीवी देख रही हूँ तो टीवी देखते देखते सोफे पे लुढ़क गए, सो गए, या फिर मैं बेड पे आके सोती हूँ, तो वो देखिए कि क्या है। उसके बाद मेरी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, कि मुझे पीसफुल स्लीप आती है, रेस्टफुल स्लीप है, मुझे पहले आती थी अब आती है, तो थोड़ा सा उसको भी मॉनिटर कीजिए। उसके बाद मेरे कमरे में लाइट कैसी है, कितनी लाइट आती है, बाहर से लाइट आती है, अंदर है, कुछ गैजेट्स चल रहे हैं, कुछ कंप्यूटर है, कुछ टीवी है, कुछ मॉनिटर है, इंटरनेट राउटर है, उसकी लाइट आ रही है, और उसके बाद साउंड कैसी है उसके अंदर, कि मेरा फोन भी बजता है, या बाहर से अगर मेरा कमरा उसके गली के ऊपर है, या फिर बिल्कुल रोड के बाजू में है, तो उसकी साउंड कैसे आती है मेरे कमरे में, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसके बाद जो अनदर थिंग है, कि हमारा सोशल स्केड्यूल कैसा है। सोशल स्केड्यूल में कि ठीक है, अभी बीमारी से उठे हैं तो डॉक्टर पे भी जाना पड़ता है, कुछ टेस्ट कराने जाने पड़ते हैं, तो कितनी अपॉइंटमेंट है आपकी दिन में, हफ्ते में, तो कैसे आप स्केड्यूल कर रहे हैं उसको, कहीं ओवर ज्यादा तो नहीं हो गया कि दिन में चलो निकले हैं तो चलो दो बार इधर भी हो जाए, तो चलो हम घर से निकले हैं तो किसी से मिलते भी जाएं। आजकल लॉकडाउन है तो किसी के यहाँ मिल नहीं रहे, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं है तो हम मिल भी रहे थे, तो चलो ठीक है गए थे तो चलो आंटी के, मासी के, किसी को मिलते चले, तो वो भी हमने पैक कर रखा है। उसके बाद सोशल गैदरिंग्स हैं,
कि घर पे मेरे कोई आया, अभी हम बीमार हैं, बीमारी से उठे हैं, तो आमतौर पे ऐसा होता ही है कि रिश्तेदार सब दोस्त सब मिलने आते हैं या फोन करते हैं, तो उसका क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको इन पर्सन मिलने आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं या फेस टाइम कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से थकावट भी पैदा कर सकता है, तो वो भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद कि डोमेस्टिक हेल्प है कि नहीं है, और अगर है आपको कोई हाउस हेल्प है कि नहीं है, अगर है तो आपको उनको रोज बताना पड़ता है कि ये करें ये ना करें, या फिर वो अपने से कर सकते हैं, तो उसका भी एक थकावट हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि सेंसरी ओवरलोड ओवर स्टिमुलेशन, तो क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक तो शारीरिक थकावट है, एक मानसिक थकावट है और एक इमोशनल थकावट भी है, तो ये जो सेंसरी ओवरलोड जिसको हम कहते हैं, सेंस जो हमारी सुनने का है, देखने का है, महसूस करने का है, टेस्ट का है, ये सब भी ऐड करता है स्ट्रेस के ऊपर और थकावट के ऊपर, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए आप। तो इसमें आप ये देखिए कि जो आपके वातावरण की जो आवाजें हैं पीछे से, उसमें आपका क्या इफेक्ट है आपके फटीक के ऊपर, कि टीवी का, रेडियो का, फोन का, टेक्स्ट का, आपकी हॉर्न बज रहे हैं कार के, या फिर यू नो ट्रैफिक है साथ में, उसकी लाइटें आ रही, उसकी आवाज आ रही है, तो उसका क्या फर्क आप पे पड़ता है। उसके बाद लाइट कैसी है आपके वातावरण में, आपके कमरे में, आपके घर में लाइट का क्या है, उसमें कैसे आपको फर्क पड़ता है। और ये भी देखें कि आपके यू नो आपको बल्ब की लाइट अच्छी लग रही है कि ट्यूबलाइट की लाइट अच्छी लग रही है, नाइट लाइट ठीक लग रही है कि नहीं, सूरज की रोशनी, कर्टन वगैरह, तो ये भी देखिएगा। दूसरा और भी ध्यान दीजिएगा कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, या मैंने किसी से बात करी अपने हेल्थ के बारे में, तो जैसे कोई आपके फैमिली से किसी से हम हेल्थ डिस्कस करते ही हैं कि अच्छा मेरा क्या था, क्या हो गया, तो लेकिन उसका करने से मेरे इमोशनली वो मेरे पे कहीं ड्रेन तो नहीं कर रहा, तो वो फिटीक भी देखेगा कि मैं बात करके रखी बजाय कि अच्छा लगने के मुझे बुरा लग रहा है, तो उस पे मुझे क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद मेरा खाने को मन नहीं किया, उठने को मन नहीं किया, तो वो देखेगा थोड़ा सा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम टीवी देख रहे हैं, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, खासकर टीवी है जिसमें बहुत कुछ यू नो ड्रामा है या बहुत वायलेंस है, कभी कभी वो भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि या हमें कुछ ऐसा है कि रियलिटी से दूर टीवी, रियलिटी वाला टीवी है जिसमें हमें सोचना पड़ रहा है, तो कभी कभी वो भी थकावट करता है, ओवर स्टिम्युलेट कर देता है। तो थकावट और ओवर स्टिम्युलेशन दोनों लाइक साथ साथ में चलते हैं, तो उसको भी प्लीज देखिएगा। तो एक बारी आपने थोड़ा सा एक को हम बोलते हैं कि 360 डिग्री व्यूज, अगर आप यहाँ पे हैं तो आसपास अगर आपने पूरा उसको अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ असेस कर दिया, उसका एक टाइम टेबल सा बना दिया, समझ लिया आपने सिम्टम्स को, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो एक डायरी बना सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं, एक एक ऐसे ही रजिस्टर के ऊपर, पेपर के ऊपर आप लिख सकते हैं कि भाई हाँ मेरी रोज की ये अपॉइंटमेंट है, मेरी डेली ये अपॉइंटमेंट है, और मैंने उसको कैसे किया है। और कोशिश कीजिए कि एक अपॉइंटमेंट से ज्यादा ना हो अगर आप कोर्स आपके बस में है तो। और दूसरा कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, बनाते हैं या घर वाले बनाते हैं, तो ये देखिए कि टाइम जो आपको सूट करता है, कभी कभी हमारे पास च्वाइस नहीं होती, जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है वो तो होती ही है, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आपकी ये ऐसा ना हो कि अगर कहीं दूर जाना है तो वो रश आवर के टाइम की अपॉइंटमेंट है, गाड़ी में बैठना पड़ रहा है तो बैठे बैठे ही थक गए, तो या फिर बहुत सुबह सुबह की अपॉइंटमेंट है और सुबह उठ के नहाना और ब्रश करना और नाश्ता करना, उसी में इतनी थकावट है तो इतना रश रश से हो रहा है, तो जब तक डॉक्टर पहुंचे तो हमारे में तो जान ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप वो भी थोड़ा सा देखिए और उसको प्ले कीजिए अपने हिसाब से, अपने को कंट्रोल, अपना कंट्रोल लीजिए उसके अंदर। और उसके बाद दिन में जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो एक लंबा ब्रेक और छोटा ब्रेक उसमें सेटअप कर दीजिए। अगेन अगर आप उनमें से है जो कि सुबह उठ के थके रहते हैं तो मे बी 10 मिनट का ब्रेक सुबह, चलो उसके बाद जब सुबह उठे बिफोर कुछ करने से पहले वो कीजिए। कुछ लोग नहाने के बाद थक जाते हैं या खाना खाया, नाश्ता किया तो सुबह का काम किया तो मे बी आधा घंटा चाहिए उसमें, तो ऐसे करके आप देखिए। लेकिन लंबा ब्रेक और छोटा ब्रेक उसको डालिए और कोशिश कीजिए कि आप वो ब्रेक उतने टाइम से लें। लेकिन ब्रेक ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव है, ब्रेक फ्रॉम द एक्टिविटी जिसको हम बोल रहे हैं। और उसके बाद अगेन मैं स्ट्रेस करूंगी कि पल्स ऑक्स मीटर है आपके पास, तो बेसलाइन हार्ट रेट और ऑक्सीजन मीटर जो है वो आप अपना अपना एक्टिविटीज कुछ भी आप कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर उसका एक मेजर करते रहे।
उसके बाद आप अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास हेल्प है, आपका परिवार में कुछ आपके कोई मदद कर सकते हैं, चाहे अपना काम ही है चाहे घर का काम ही है, जब तक आपको पूरी स्ट्रेंथ नहीं आती, पूरी तरह से आप स्वस्थ तंदुरुस्त नहीं हो जाते, तो ठीक है थोड़ा सा काम आप डेलीगेट कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद खाना बनाना है तो आप वीकली मेन्यू बनाइए, उसको आप प्लानिंग कीजिए कि अच्छा ठीक है मैं मसाला बना के रख सकती हूँ, मैं सब्जी काट के रख सकती हूँ, मैं आटा गूंद के रख सकती हूँ, तो कुछ भी आप एडवांस में कीजिए। या अगर एक प्लानिंग है तो कम से कम रोजमर्रा ये सोचना नहीं पड़ेगा नाश्ते में क्या बना है, रोटी में लंच में क्या बना है, डिनर में क्या बना है, तो एक कम से कम एक मेन्यू है जिसको आप रिपीट कर सकते हैं और फैमिली से शेयर कर लीजिए ताकि सब लोग उसी में हिसाब से चले। उसके बाद कपड़े धोने हैं तो बजाय कि 4 लोड कपड़े धोने के या खूब सारे हफ्ते के या 3-4 दिन के धोने के, तो रोज छोटा छोटा धो लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसको तय कर लीजिए, तो अगेन उसको भी डिवाइड करें। अगर आज खाना बना रहे हैं तो आज कपड़े मत धोइए, आज कपड़े धो रहे हैं तो खाना मत बनाइए, ऐसे करके कुछ कीजिए या उस समय मत कीजिए। उसके बाद डस्टिंग करनी है, घर का कुछ काम करना है तो उसका भी समय देख लीजिए, जरूरी नहीं कि वो सुबह ही होना है, क्योंकि हम सुबह ही करते थे, कोई बात नहीं दोपहर शाम में भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, डस्ट तो डस्ट ही इकट्ठी हो जाएगी, सुबह नहीं होगी तो शाम को इकट्ठी हो जाएगी, तो वो भी कर लीजिए। ग्रोसरी की लिस्ट भी हैंडी बनाइए कि बार बार सोचना पड़े अरे क्या लाना है क्या नहीं लाना, तो एक 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 पूरा एक स्केड्यूल बना हुआ है तो आप उसी के हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा सा जिससे हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। उसके बाद आपकी जो अपनी केयर है, सेल्फ केयर है, जो कि थोड़ा सा गैप रखिए, अगर मैं ब्रश करने में नहाने, अगर मेरा ये रूटीन है हमेशा से कि भी मैं सुबह उठती हूँ ब्रश करती हूँ टॉयलेट जाती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ, तो मे भी 3 करने में मुझे में भी 1 घंटा लग रहा है या 45 मिनट्स लग रहे हैं, लेकिन मैं थक जाती हूँ, तो इससे अच्छा कोई बात नहीं ब्रश किया आके बैठ गए फिर 2 चीजें कर ली, या ऐसे करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, गैप डाल सकते हैं अगर आपको वो नहीं जचता है या जचता है तो। और उसके बाद अगर आप नहा रहे हैं, अगर आप नीचे छोटे चौकी पे या स्टूल पे बैठे हैं और उठने में तकलीफ हो रही है, तो मे भी कुछ दिनों के लिए कुछ हाई कुछ ऊंचा स्टूल या एक कोई कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी वो रख लीजिए, लेकिन ये देखिएगा कि प्लास्टिक की कुर्सी और पानी थोड़ा दोनों दोनों साथ साथ में नहीं जाते, तो हिलते ना उसके पैर वैर, तो ऐसा ना हो कि आपको कुछ फिसलन का हो जाए। और अगर आपको मदद चाहिए तो किसी से मदद भी ले लीजिए, कभी कभी जिनके बाल लंबे होते हैं उनको सिर झुका के नीचे धोने में सुखाने में बहुत तकलीफ होती है, तो मे भी कुछ हेल्प ले लीजिए किसी की, या आपके सिंक में धो दें खड़े खड़े धो दें, या कोई आके मदद करते अगर आप सर धो रहे हैं, तो अगर आप उसको रोज धोना अवॉइड कर सकते हैं तो 2-3 दिन में एक बार ही धो लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब नहा के आए तो एकदम से कपड़े मत पहनिए, आइए कमरे में बैठ जाइए, उसके बाद थोड़ा सांस लीजिए, फिर कपड़े पहनिए, और अगर अगर आपका कमरा साथ में नहीं है तो मे बी कमोड सीट पे बैठ जाइए, टॉयलेट पे बैठ जाइए, वहां पे कीजिए, या कुर्सी है उसके ऊपर कुछ सूखा कपड़ा रख के बैठ के थोड़ा सा सांस लेके फिर कीजिए, तो उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी को जैसे अगर आपने सोचा कि हाँ मेरे को कितनी जरूरी है मुझे जाना ऊपर नीचे जाना, तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार ही से ऊपर ना, एक बार ही नीचे गए एक बार ही ऊपर गए, ऐसे कीजिए। उसमें अपना हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर कर लीजिए, और आपको लगे कि मुझे चढ़ना है, मुझे सोच के परेशानी हो रही है कि अरे मुझे सीढ़ी चढ़नी है, तो एक कुर्सी रख लीजिए वहां पे सीढ़ी चढ़ने से पहले, तो वहां बैठ जाइए, थोड़ा सांस लीजिए, अपने को शांत करें और 4-5 कदम सीढ़ी लें, उसके बाद रुक जाइए, बेनिस्टर पकड़ के उसका जो साइड का डंडा है वो पकड़ के रुक जाइए, ऊपर पहुंचिए वहां पे भी एक कुर्सी रख दीजिए, तो जब ऊपर पहुंचे तो थोड़ा उस पर बैठ के विश्राम किया फिर आगे चले। उसके बाद चलना है तो अगर आप बाहर चल सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो घर पे चलिए, आप चलना बहुत जरूरी है। आजकल तो हर किसी के फोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर हेल्थ ऐप है या पेडोमीटर है जो कि बना हुआ है, तो आप उसमें कर सकते हैं, तो मॉनिटर कीजिए कि अच्छा मैं 300 कदम चलती हूँ तो मुझे थोड़ी सी थकावट जाती है, तो मैं अगर 2-4 मिनट के लिए रुक जाऊं तो मैं आगे चल सकती हूँ, तो उसमें आके अपना एक बेसलाइन बनाइए और उसको धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कीजिए, अपनी कैपेसिटी चाहे 10 कदम से या 50 कदम से, जैसा आपको ठीक लगे करें, लेकिन करते रहिए कुछ भी। कभी कभी जो बहुत लंबी बीमारी हो जाती है जैसे कोविड है, तो कई लोग थोड़ा बिस्तर पे ज्यादा हो जाते हैं, तो अगर आपको लगे कि मेरी टांगों में कमजोरी है या मैं उठी हूँ तो मुझे कुछ बैलेंस मेरा ठीक से नहीं लग रहा है, तो केन या वॉकर टेम्परेली पकड़ लीजिए, उसमें कुछ बुराई नहीं है जब तक आपको बैलेंस नहीं होता, क्योंकि आप जब आप रिकवर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आप गिर जाएं या आपका बैलेंस खराब हो, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है।
उसके बाद जितना भी कोशिश हो सके आप फिजिकली एक्टिव रहिए. उसको मैं बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि फिजिकली एक्टिव रहिए. कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं कहा कि थकावट हो रही है तो बस रेस्ट 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 करते रहिए. रेस्ट और थकावट का कुछ ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं कि एक विशियस साइकिल है कि आपको थकावट हुई, आपने रेस्ट किया, थकावट हुई, तो वो निकलता ही नहीं है. उसको निकलने का तरीका ये है कि थोड़ा सा एक्टिव रहिए. जितना रेगुलर ग्रेडेड एक्सरसाइज जो आपको जैसे वो कीजिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लगती है, आपको चेयर योगा अच्छा लगता है, आपको स्ट्रेचिंग करते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी करके आप एक्सरसाइज कुछ तो करते रहे, हाथ पांव हिलाते रहे अपने. और अगर आप हिला ही रहे हैं, जैसे ऊपर नीचे हाथ कर रहे हैं या मुट्ठी भींच रहे हैं, तो उसको नंबर दे दीजिए जो भी आपका मैजिक नंबर है. किसी को 3 टाइम 2 बार ही अच्छा लगता है, किसी को 5 दफा 2 बार ही अच्छा लगता है, किसी को 10, तो जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए. उसके बाद आजकल तो सब जनता प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जानती है, तो प्लीज फॉलो कीजिए. अगेन, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उसको 2 3 5 बार ही कीजिए, आप फिर उसको रेस्ट कीजिए. ऐसा ना हो कि ब्रीदिंग करने में ही थकावट हो जाए, तो सारे ही इकट्ठे मत कर दीजिए, उसको 2 2 3 3 करके करिए, वो करिए जो आपको जच रहे हैं. उसके बाद एक सिंपल कोर या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी होती है, जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, तो वो भी कीजिए, क्योंकि वो भी आपको डायफ्राम को स्ट्रांग करने में मदद करेंगी. और उसके बाद जरूर देखें कि आपकी जो आपने एक्सरसाइज करी उसका आपकी बॉडी का रिस्पांस कैसा था बिफोर और आफ्टर. और अगर आपने एक्सरसाइज करी, कभी भी हम नया एक्सरसाइज शुरू करते हैं या जिम शुरू करते हैं, तो थोड़ी सी एक थकावट रहती है, लेकिन वो नॉर्मल है, उसकी रिकवरी कैसे है, तो वो आप उसमें आप माने मैनेज कर सकते हैं कि मैंने आज थोड़ा ज्यादा ट्राई कर लिया तो लेकिन रिकवरी मेरी थोड़ी सी लंबी थी, तो वो मैनेज आप मॉडिफाई कीजिए उसको. जितना जरूरी शारीरिक तरह से उसको एक्टिव रखना है, उतना ही मेंटली एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है. कुछ कुछ फन स्टफ कीजिए, कुछ कॉमेडी मूवीज देखिए, कुछ अच्छी पिक्चर टीवी देखिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपका दिल बहलाए. फैमिली के साथ बैठे, रिलैक्स करें, फ्रेंड्स के साथ फैमिली बैठे, कुछ कार्ड खेलें, चेस खेलें, बोर्ड, जिसमें कि आपका ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव रहे. कभी कभी जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कुछ लोगों को नीटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग, इंडोर, बाहर तो नहीं कहूंगी लेकिन इंडोर, अगर आपके कुछ फूल पत्ती गमले हैं तो उनको देखिए, रीडिंग कीजिए, तो जो ऐसा जो जिसमें आपको एक सुकून मिले वो अच्छा रहे, प्लस ऑल्सो ब्रेन की एक्सरसाइज भी बनी रहे, तो वो जरूर करें. मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ है, आजकल बहुत रिसर्च चल रही है मेडिटेशन के ऊपर, आपकी ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और शांत रखने के लिए. स्लीप हाइजीन, हमने स्लीप के बारे में बात करी थी, लेकिन स्लीप हाइजीन में ये बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन रहिए कि 7 से 8 घंटे का मुझे नींद लेना है, कैसे लेना है. उसमें आप एक सेट टाइम बनाइए, अगर आपका था तो बहुत बढ़िया, उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं था तो कोशिश कीजिए कि एक सेट टाइम रात को सोने का हो और एक उठने का सेट टाइम हो, तो उसी के अंदर ही आप रहें. दिन में अगर आपको रात को नींद ठीक से नहीं भी आई है, तो दिन में कोशिश कीजिए कि ना सोएं. और अनलेस की बहुत ही जरूरी है कि अभी तो मेरी बॉडी क्रैश कर गई और मुझे थोड़ी देर सोना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ना सोएं तो अच्छा है, ताकि रात को आपको अच्छे से नींद आ जाए. कमरे को डार्क रखिए, कर्टन से, हैवी कर्टन से. और जो आपके फोन है या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कंप्यूटर हैं, आईपैड्स हैं, किंडल हैं, फोन है, उसको बंद कर दीजिए. कोशिश कीजिए कि 30 मिनट 45 मिनट से पहले आप कंप्यूटर्स, ये फोन वगैरह सब बंद कर रहे हैं और शांत रख रहे हैं. अपने को रिलैक्स कीजिए. कुछ लोग को पढ़ाई, उसके किताब पढ़ने से, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ने से रिलैक्सेशन होती है एंड ऑफ द डे पे. कुछ लोग को मेडिटेशन ब्रीदिंग से करते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको रिलैक्स करे, वो आप कीजिए. लेकिन किसी तरह से जो स्टिमुलेशन है, जो सेंसरी, जिसको हम कहते हैं कि वातावरण में जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, उसको थोड़ा सा अंडर कीजिए आप. और फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रही है, तो डॉक्टर से बात कीजिए, शायद आपको कुछ मेडिकेशन की जरूरत हो. तो अब इतनी थकावट की बात हो रही है, कुछ है आप बीमार पड़े, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ और मैं हर किसी से, अपने से भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें गिल्टी मत कीजिए. आपकी आपका कसूर नहीं है कि आप बीमार पड़े, और उसमें अपने आप को फर्गिव भी कीजिए कि थोड़ा सा अपने आप को माफ भी करना पड़ता है कि हाँ, अरे मैं यहाँ गई थी, अरे मैं उससे मिली थी, तो मैं शायद बीमार हो गई या पता नहीं क्या हुआ. तो इट्स ओके, इट्स ओके. अगर मुझे थोड़ी सी मदद भी लेनी पड़ रही है किसी की, तो कोई बात नहीं. देखिए कि बीमारी है, आई है, तो ठीक भी हो जाएगी. और आप इतना निकल के आ गए हैं, इतना ठीक हो गए हैं, तो आगे भी ठीक हो जाएगा. जैसे समय का चक्कर है, ये तो चलता रहता है, तो एक समान ही कुछ भी रहता है.
और कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होता है कि ठीक है आज तो नहीं मन कर रहा, तो इट्स ओके कि आप चीट करना चाहते हैं, आजकल दिन चीट करने का, तो ठीक है आज आज मुझे कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, कुछ बाजार से चटपटा खाने को मन कर रहा है तो खाने दो, कोई बात नहीं, या फिर आज मुझे थोड़ा सा नींद आनी है या सुबह बैठ के मैं टीवी देखना है तो देखिए आराम से देखिए, तो इट्स ओके। लेकिन आप ये जरूर देखिएगा कि जो स्ट्रेस है वो फटीग के अंदर फटीक को बढ़ाता है, चाहे आपका फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, ये फटीक को बढ़ाता है अगर आपसे खुद से मैनेज नहीं हो पा रहा है, स्पेशली जो मानसिक स्ट्रेस है या इमोशनल स्ट्रेस है, तो प्लीज हेल्प लीजिए, मेंटल हेल्प लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई और आपको कुछ ऐसे सुझाव मिले जो आपको यूजफुल लगे। थैंक यू।